अस्सलाम वालेकुम। इजाज कुरैशी, माइंड चेंजर एंड ऑनलाइन कोर्स ट्रेनर। आज मैं जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की बताना चाह रहा हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे पास, कि जो आज हम चेंज कर लें अपने आप को, जिस तरफ ज़माना जा रहा है उसी तरफ हम भी चल जाएं, जो आने वाला वक्त कह रहा है वक्त के साथ चेंज करें अपने आप को उसी तरह, जैसे सर्दी गर्मी हालात के मुताबिक अपना हम ड्रेस चेंज करते हैं, अपने माइंड के मुताबिक कलर चेंज करते हैं, डिशेज चेंज करते हैं, इसी तरह आज हमें अपना फ्यूचर प्लान भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है। गुजारिश यह है कि ऑनलाइन में हम आज मैं बताऊंगा कि कम पैसों में, कम टाइम में आप कैसे ख़र्चा करके, फ्री कैसे कोर्स लेके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं और कम टाइम में। हम ऑनलाइन जो है इसके में टाइपिंग का कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कर सकते हैं, हम इसमें में सेल्स परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल का मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फाइवर सेल्स का कर सकते हैं, हम इसमें में काफ़ी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, इसको फिर हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, जो कि कुछ घंटों में हम ये काम कर सकते हैं और कुछ घंटों में हम काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, हज़ारों के हिसाब से डॉलर कमा सकते हैं। फिर डिफरेंट साइज़ की जो डिग्रीज़ हैं और स्किल्स हैं उनकी क्या अहमियत है। जो डिग्रीज़ हैं वो हमें स्टक कर देती हैं, जो एक तो उसकी कि फ़र्ज़ करें कि 50 लाख का ख़र्चा हो गया डिग्री पे और हमारी स्किल लेने में 1, 2, 4, 5 लाख का खर्चा हो गया, डिग्री हमें मिली है 6 साल की मेहनत से, हमें स्किल मिली है 6 महीनों की मेहनत से, जबकि आज का दौर डिजिटल दौर जो है ये स्किल जो है ये ज़्यादा हमें पे कर रही है डिग्री वाला। फिर हमें 500 सीटें अगर ये लास्ट वीक की मैं बात बता रहा हूँ MBBS की KPK में तकरीबन 25 सीटें थीं और 3000 से ज़्यादा उधर बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था, बच्चियों ने, तो अब वो कैसे कैसे मैनेज करेंगे। 24-24 घंटे नए डॉक्टर जो हैं 48-48 घंटे 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं, फिर जाके कहीं वो चलते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और अब हम इस चीज़ से निकल आएँ कि डॉक्टर, इंजीनियर या हमने MBA करना है, इस चीज़ों से हमें अब निकल के हमें ऊपर जाना पड़ेगा। अब इसका क्या बेनिफिट है स्किल्स और डिग्री का, और कि सबसे पहले तो हम बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, इसको सीख लेते हैं स्किल को, और फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हम जब जॉब करते हैं तो उसमें हम स्टक हैं, हम किसी को मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, साथ अपने अटैच करके इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर का कोई भी काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फिर भी हम अपने साथ दोस्तों को, भाइयों को, अपने क्लास फेलोज़ को साथ अटैच कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ग्रुप बड़ा कर सकते हैं। ग्रुप बड़ा करना है उसके लिए मैं दोबारा एक हमारा नेक्स्ट आप को मैं एक भेजूंगा क्लिप, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा, मेरे पहले वाले भी क्लिप ज़रूर सुने, आगे वाले भी क्लिप ज़रूर सुने आप। फिर इतनी हैरत अंगेज़ बात है कि स्किल आपके पास कोई भी हो लेकिन स्किल हो। अब लैंग्वेज की तरफ आ सकते हैं, आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो, अच्छी टाइप कर सकते हो, उर्दू अच्छी बोल सकते हो या अच्छी टाइप कर सकते हो, पंजाबी भी अगर अच्छी बोल सकते हैं टाइप कर सकते हैं, सिंधी है, बलोची है, पी है, पश्तो है हमारी, इवन के चाइनीज़ ज़बान है हमारी, जो लैंग्वेज है अपना अरेबिक, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दुनिया में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा अरबी बोलने वाला आदमी फेल ही नहीं हो सकता, भूखा मार ही नहीं सकता। इसी तरह मैं और भी बहुत सारे जो शॉर्ट कोर्सेज़ है उसकी तरफ आऊँगा, ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज़ जो हैं, ताकि आप उसको को स्टडी करें। आप इसमें चंद घंटे की उर्दू या इंग्लिश या पंजाबी कोई भी ज़ुबान बोल के, अरबी, चाइनीज़, कोई भी दुनिया की ज़ुबान, जर्मन बोलें, कोई भी ज़ुबान सीखें, लेकिन प्रॉपर ज़ुबान सीखें, चंद माह लगा के उसके आप बोलें, आपको यहाँ अम्बेसियों में जॉब मिल सकती है, फॉरेन अफेयर्स में जॉब मिल सकती है, और बेशुमार फ्रीलांसर्स के फारग टाइम में आप बिज़नेस कर सकते हैं। और इसी तरह जो है नेट आपके पास है, फ़ोन हर एक के पास है, पैकेज हर एक के पास है, तो इतना सस्ता और इतना अच्छा सिर्फ आप अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है कि हम इसको यूज़ करें। और लोगों, छोटे छोटे बच्चे हैं 7 साल से लेके 77 साल की अम्मा तक जो है वो पैसे कमा रहे हैं,
इन इन दिनों किसी बच्चे का फारग रहना समझ नहीं आता, किसी का मायूस होना समझ नहीं आता, किसी का नाउम्मीद होना समझ नहीं आता, किसी बच्चे का बेरोज़गार होना समझ नहीं आता। हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा एसेट्स हैं, इतना कुछ है, इतना कुछ है, अल्लाह ताला की बहुत नेमतें हैं। हम इसे मिसमैनेज कर रहे हैं, हम मायूस हो रहे हैं ख़ुद भी, और निज़ाम सारा हम मिसमैनेज कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में किसी भी जगह पर हम अब सैंपल मंगवाएं, जो प्रोडक्ट है हमारी, पर पाकिस्तान में कई किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, चावल हैं, बेशुमार का आटा है, कनक है, हर चीज़ है। इसको कहीं से प्रोडक्ट मंगाएं गांव से, और आप इसको चंद एक मार्जिन रख के 24 घंटे में सेल कर दें किसी बड़े शहर में जाके। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप अगर किसी को सर्विस दे रहे हैं तो उसको आपको मार्जिन डेफिनेट मिलेगा। बेशुमार किस्म के जो होटल्स हैं, बेशुमार किस्म के, मुझे कल भी लड़का एक मिला होटल पे, सूप बना रहा था। मैंने कहा यार तुम तो MBA कर रहे थे। कहता सर वो कर लिया लेकिन मैं नहीं सेट हुआ, या मैं अल्हम्दुलिल्लाह शाम को 3-4 हज़ार को घर ले जाता हूँ बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहता मैं 2-4 घंटे काम करता हूँ, शाम को सूप बेचता हूँ, सर्दियाँ आ रही हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मायूस ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह करें, इस्तग़फ़ार करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। और जो है अगर हमारी ख़ातून खाना भी जो हैं, जैसे कहा जाता है कि इन्होंने तो हमारा हाथ है औरत का हमारे कमर पे हाथ है कामयाब होने में, तो इन्होंने तो हमारे पूरे मुट्ठी में ही हमें दबाया हुआ औरतों ने, और कभी कोई उंगली दबाती हैं, कभी कोई दबाती हैं, गर्दन दबाई हुई। थोड़ा सा रिलैक्स हों, बी रिलैक्स, किसी बात पे अगर हमने किसी को छोड़ देना तब भी हमें उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को माफ़ कर देना तब भी, अगर किसी के साथ रहना है फिर भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस तरह बहुत सी बातें आपसे करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह खुदा हाफिज़, इस पे अमल करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डालेगा। मेरे लिए भी बहुत दुआएँ करें। खुदा हाफिज़।